शरीर अथवा मन को संतुष्ट कर लेना भारी वास्तव में सुख नहीं है। वास्तविक सुख है आत्मा को संतुष्ट करना, उसे प्रसन्न करना। आत्मा को सुख का अनुभव और आनंद की अनुभूति कराने का एकमात्र साधन है परमार्थ। परमार्थ का व्यवहारिक स्वरूप है सेवा। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम सेवा साधना और उसके सिद्धांत। पुस्तक में ऐसे अनेक लोगों के जीवन की घटनाओं को बताया गया है जिन्होंने अपने पास उपलब्ध साधनों से अपना कार्य आरंभ किया और अंत में समाज उत्कर्ष के साथ साथ स्वयं भी संत, मनीषी और महात्मा के नाम से सम्मानित हुए। लेखक बताते हैं कि साधारण व्यक्ति स्थूल दृष्टि से देखने के कारण सेवा को घाटे का सौदा समझ लेता है और सेवा से मिलने वाले असाधारण और असंख्य लाभों से वंचित रह जाता है। पुस्तक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन के लिए अन्न, निवास के लिए घर, बीमारी में दवा, शिक्षा के लिए विद्यालय, यह सब उपलब्धियाँ क्या मनुष्य की निजी कमाई है? क्यों स्वास्थ्य, संतान, सामाजिक प्रतिष्ठा, परिवार, संपन्नता आदि उपलब्धियों से संपन्न व्यक्ति इतने सुख में भी एक अभाव और अतृप्ति महसूस करता है? वह कौन है जो जीवन की हर क्षेत्र में बिना मांगे हमें सहयोग करता है? इन सभी प्रश्नों को गहराई से समझने के लिए प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जिसमें लेखक ने सेवा के सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ उसके व्यावहारिक और वैज्ञानिक पक्ष को भी खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया है। पुस्तक के कुछ अंश। सहज सुलभ वस्तु का मूल्य तब तक नहीं मालूम होता जब तक कि हम उससे विलग नहीं हो जाते। मनुष्य को यदि समाज से विलग कर दिया जाए तो उसे पशुओं से भी गया गुजरा जीवन जीना पड़ेगा। सेवा जीवन को उत्कृष्ट और पूर्ण बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस संसार में लो और दो की नीति पर सारी व्यवस्था चल रही है। लो के लिए तैयार, दो के लिए इनकार की परंपरा यदि चल पड़े तो सारा कर्म ही उलट जाएगा। तब हमें असामाजिक आदिम युग की ओर वापस लौटना पड़ेगा। सेवा द्वारा व्यक्ति जब सब में अपनी आत्मा को ही देखने का अभ्यास कर लेता है तो अपनी आध्यात्मिक मंजिल के निकट पहुंच जाता है। लोक सेवी को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से सदैव बचना चाहिए। जहाँ भी मान सम्मान की भूख जागती है वहाँ सेवा के मार्ग से भटकाव आरंभ हो जाता है। लोक सेवी को निराहंकारी होने के साथ निर्लोभी भी होना चाहिए। पुस्तक के मुख्य बिंदु। मनुष्य का आवश्यक धर्म कर्तव्य है। सेवा धर्म के बाधाएं और भटकाव। लोक सेवी का दृष्टिकोण और जीवन नीति। लोक सेवी का व्यक्तित्व और स्तर। व्यवहार कुशलता अर्थात आदर्श व्यवहार।